हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द देसी रेसिपीज़। तो चलिए आज एक और राजस्थानी पॉपुलर डिश बनाते हैं और वो है ये राजस्थानी पतोड़। तो इसे दो तरीके हैं बनाने के। पहला तो हम इसको बना के इसकी सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं और दूसरा हम इसे ऐसे स्नैक की तरह भी ले सकते हैं या फिर दही छाछ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे 2 कटोरी बेसन और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी एंड 1/2 टीस्पून ऑफ हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून ऑफ यहाँ पे हम क्रश्ड जीरा, 1/2 टीस्पून ऑफ यहाँ पे हम धनिया पाउडर एंड 1/4 टीस्पून ऑफ यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑफ यहाँ पे जो फेनल सीड्स है यानी कि सौंफ है वो ऐड करेंगे और यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और हैंडफुल ऑफ द कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पानी और बेसन का जो रेशो है वो ये रहेगा कि अगर आप 2 कटोरी बेसन यहाँ पर लेते हैं तो लगभग 3 कटोरी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लंप ना रहे। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जो कड़ी होती है उससे थोड़ी थिक होती है, पर हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इसकी वाटरी है। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल हीट करेंगे, लगभग यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी जल्दी थिक हो जाता है। तो इसे इस तरीके से रेगुलर हम चलाते रहेंगे ताकि इस नीचे सरफेस पे भी ना चिपके। तो यहाँ पर हम पलटा लेके इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। इसको लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे अच्छे से पकने में। तब तक हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम रख कर अच्छे से पकाएंगे बहुत देर तक। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी इसको चलाते रहेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें लंप भी नहीं है अब। तो इसको बनने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। बिल्कुल इसको कम फ्लेम में हम बनाते हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि ये कच्चा ना रहे। अब हम एक जो थाली है उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और जो ये मिक्सचर है उसको हम थाली में ले लेंगे। तो गाइज़ इसको काफ़ी जल्दी फैलाना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम के साथ बहुत जल्दी थिक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पूरी थाली में स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से सेटल इसको हम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जो चाकू है उसको ग्रीस करके और इस तरीके से इसके पीसेस कट कर लिए थे। अब हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, इससे ये अच्छे से जम जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि पतोड़ एकदम रेडी है। अगर आप चाहें तो इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, तो मैं इसकी सब्ज़ी की रेसिपी भी जल्दी ही शेयर करूंगी। तो अभी तो हम इसका तड़का लगाने वाले हैं और इसे हम एज ए स्नैक खाने वाले हैं, या फिर आप चाहें तो इसे छाछ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़े से ऑयल को हीट किया और उसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करके फ्लेम को ऑफ करके और इसमें हमने करी पत्ता और रेड चिली पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हरे धनिया के पत्ते ऐड किए हैं। और इस तरीके से हम जो तड़का है उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और हमारा ये जो मसाले वाला पतोड़ है वो एकदम तैयार है खाने के लिए। तो अगर आपको देसी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंजॉय।